हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज बिलाल आशिक। आज हम बात करेंगे एब्सोल्यूट कट ऑफ ऑफ वेटनरी इन बिहार। जैसा कि थंबनेल तुम लोग देख चुके हो, ठीक है। देखो, 2019 से नीट के थ्रू वेटनरी में एडमिशन हो रहा है और 2023 वेटनरी कॉलेज था बिहार में, बीबीसी पटना। 2023 में जो है बहुत लेट से, बहुत कोशिश, शिद्दत उद्दत, बहुत सारा एफर्ट लगाने के बाद जो है फाइनली किशनगंज में वेटनरी स्टार्ट हो गया, जहाँ पे 80 सीट है, ठीक है। और वहाँ की कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट ईयर, वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखे हो तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनबॉक्स में मिल जाएगा। और इस बार का जो कट ऑफ पिछले साल कितना गया था वो भी मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी बच्चे तसल्ली नहीं हुए हैं और मुझे खुद नहीं ऐसा लगता है कि पता नहीं कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो मैं डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि इसका जो कट ऑफ का सियोरिटी क्यों नहीं है, और क्या तुमको कम नंबर आ रहा है तो भी मिल सकता है कि नहीं, कितना कम नंबर तक मिल सकता है, कितना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा इसका, किशनगंज का कितना ज़्यादा जाएगा बीबीसी का। तो हम इसमें हम डिटेल में तुमको है ना पिछले 19 साल से, मतलब जो है पिछले नहीं, मतलब 2019 से कैसा सीन चल रहा है वो हम बात करने वाले हैं। देखो, 19 में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, और 19 की जो कट ऑफ गई थी ज़्यादा नहीं गई थी, 470-80 जो है जनरल की कट ऑफ गई थी और 460 के आसपास जो है ओबीसी का कट ऑफ गया था, समझ रहे हो। और हम इस कंसेप्ट इसमें थे कि 500 जो है 60 के आसपास गया है, 560 के आसपास गया, 555 गया है एमबीबीएस का कट ऑफ। एमबीबीएस के बाद जो है लोगों का पहला प्रायोरिटी वेटनरी ही होता है, तो अगर कट ऑफ नीचे जाएगा तो कितना नीचे जाएगा, 10 नंबर या 20 नंबर नीचे जाएगा। मेरा तो 511 नंबर है, फिर भी नहीं होगा। इस वजह से हम वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किए और हम कोटा चले गए, ड्रॉप ले लिए, ठीक। वापस से तैयारी कर रहे थे, बढ़िया चल रहा था, लॉकडाउन लगा, सब खराब हो गया और फाइनली हम वेटनरी ले लिए, ठीक है, 2020 में 565 नंबर ला करके, ठीक। उस समय भी हमको फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में नहीं मिल पाया था, मॉपअप राउंड में ही मिला था। और 2019 में भी अगर हम मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किए होते तो हमको मिल जाता। हम जब वहाँ कोटा में थे और जब रिजल्ट इसका मॉपअप राउंड का कट ऑफ देखे कि 470 नंबर गया है जनरल का, 480 नंबर जनरल का कट ऑफ गया है और 460 नंबर जो है ओबीसी का कट ऑफ गया है, तो हम एकदम शौक हो गए, यार हमको तो मिल जाता है, हम फालतू में, मतलब ऐसा लगा था कुछ देर के लिए, मतलब चलो ठीक है, हटाओ अब क्या जो होगा देखा जाए। लॉकडाउन लगा, व्हाट एवर, मेरा किस्मत है, जो भी चीज़ें हैं जो आता अच्छा ही होता है, फिर हम फाइनली यहाँ पे आ गए। तो देखो, जो भी वेटनरी का काउंसलिंग कराओ, जब भी 2020 का बात कर लो, 21 का बात कर लो, 23 का बात कर लो, ठीक है, 22 का बात कर लो, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में जो है बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है, 600 प्लस इसकी कट ऑफ जाएगी। तो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में जो है वेटनरी का, जो लोग एकदम 100% फिक्स श्योर रहते हैं कि उन्हें हमको लेना है, तो उसको अगर अलॉट हो गया ले लो, तो ऐसे बहुत कम, मतलब 4 या 5 ऐसे, 8 या 10 स्टूडेंट मैक्सिमम, 8 से 10 स्टूडेंट ऐसे होंगे। टोटल बीबीसी पटना में 75 सीट है और किशनगंज में 80 सीट है, तो उसकी फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में सीट फिल नहीं होती है, सारी फिल जो है, सारी सीट जो है मॉपअप राउंड में फिल होता है, ठीक है। उसका रीज़न बहुत सारा, रीज़न ये है कि जो बच्चे हैं ना ऑप्शन में, चूंकि एमबीबीएस के साथ होता है, एमबीबीएस बीडीएस और वेटनरी का बने रहने के लिए वेटनरी भी लास्ट में ऑप्शन डाल देते हैं, जिस वजह से जिसको एमबीबीएस मिल रहा होगा उस बच्चे को वेटनरी अलॉट हो जाता है फर्स्ट राउंड में, और फिर जैसे ही फर्स्ट राउंड कुछ बच्चे निकलते हैं, सेकेंड राउंड कुछ बच्चे निकलते हैं, ऐसे करके है ना, मतलब मॉपअप राउंड में है ना ऑलमोस्ट सारी सीट खाली होती है वेटनरी की, और मॉपअप राउंड में सारे बच्चे जो सारी सीट है वो मॉपअप राउंड में फिल होती है। तो मॉपअप राउंड में जो बच्चा पहुँच गया वहाँ पर, जो बच्चा पहुंचा है, और वहाँ पहुंचने के बाद फिर पता चलता है, कंफ्यूज रहता है बच्चा, एकदम डिलेमा में रहता है कि जो बच्चे को एमबीबीएस नहीं मिलता है ना, वो इस डिलेमा में रहता है कि बीएमएस लूँ या वेटनरी लूँ, बीएमएस लूँ कि वेटनरी लूँ, क्योंकि पता है मेजर फैक्टर क्या है, बच्चा ये सोच के आता है कि वापस से नीट का एग्ज़ाम देंगे, नीट का तैयारी करेंगे, अगर वेटनरी लेते हैं, अगर हम वेटनरी नहीं लेते, बीएमएस लेते हैं तो वहाँ पे बॉन्ड नहीं है। फिर दूसरा चीज़ सोचता है, गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी तो वेटनरी में ज़्यादा है, लोकेशन वगैरह ज़्यादा अच्छा, वेटनरी का कैंपस वगैरह सब कुछ अच्छा है, ज़्यादा हम वेटनरी लेना चाहते हैं, लेकिन वेटनरी में 3 लाख का बॉन्ड है, तो बच्चा है एकदम कन्फ्यूज़ हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें, क्या कुछ हो, तो गार्जियन भी बोलता है तुम जो चाहो, जैसा करना चाहते हो करो, ठीक है, एकदम समझ में नहीं आता है। इस वजह से बहुत सारे बच्चों का जो है ना वो चेंज हो जाता है, माइंड जो है चेंज होता है, और इसकी कट ऑफ जो है ना किस तरीके से नीचे गिरती पता ही नहीं चलता है, तुमको लगेगा अरे इतना ज़्यादा इसका 600 कट ऑफ जाएगा और ये चला जाएगा 540-550 पे भी बच्चे को वेटनरी मिल जाता है। तो ये बोलना बिल्कुल ही मतलब श्योर नहीं है कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि है ना बच्चे का मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वो एक अलग तरीके का निगेटिव इमेज बना हुआ है कि यहाँ पे जो है जानवर का डॉक्टर बनेगा, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस, ठीक। तो यहाँ पे सोशल वो नहीं है, समझ रहे हो, सोशल प्रेस्टीज वो नहीं है, मतलब इसमें नहीं मिलेगा स्वैग, एमबीबीएस में जो स्वैग है वो नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब लगती है ना,
फिर सब स्वैग आ जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब की जहाँ पे मतलब कुछ और कर क्या ही करोगे, जॉब ही नहीं लगे तुम स्वैग लेके क्या करोगे। तो जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, अगर एनिमल से प्यार है तो फिर तुम्हारे तो बेस्ट हो सकता है ये। तो इसका ये बोलना कि कितना कट ऑफ जाएगा ये फिक्स नहीं है। अगर जो लोग भी काउंसलिंग कराओगे, कम नंबर भी है जिसके कम नंबर हैं, और अगर कैटेगरी हो SC हो ST हो या जनरल EWS हो, 400 नंबर भी आ रहा है। और अगर चाहते हो वेटनरी लेना तो मॉप अप राउंड तक पार्टिसिपेट करना। मॉप अप राउंड होगा, फिर उसके बाद ही मॉप अप राउंड हो सकता है। दो दो मॉप अप राउंड हो रहा है पिछले 2 साल से, तो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना, उसके बाद वाला मॉप अप राउंड पार्टिसिपेट करना, मे भी मिल जाए। क्योंकि 180 के आसपास, 200 के आसपास जनरल EWS को किशनगंज में लास्ट ईयर कॉलेज मिला है, और 400 के आसपास जो है, 350-400 के आसपास जो है किशनगंज में मिला है वेटनरी BC EBC सबको, और 450 जो है जनरल की कट ऑफ गई है किशनगंज की, और 540-530 जो है इसका जनरल EWS वगैरह EBC का पटना का गया है पिछले साल कट ऑफ। इससे पहले की बात करो तो कभी बहुत ज़्यादा चला जाता है, कभी एकदम नीचे चला जाता है। तो ये बोलना है ना, एकदम इसमें श्योर नहीं है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। हाँ, तुम्हारा ज़्यादा मार्क्स है 550 से प्लस है, तो आँख बंद करके आराम से सो जाओ, नींद लो, मस्त चैन की नींद सो सकते हो आराम से, तुमको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन कम नंबर है और तुम चाहते हो कि हमको वेटनरी लेना, अपना साल को बर्बाद नहीं करना है, तो इसमें आराम से तुम लास्ट मॉप अप राउंड तक पार्टिसिपेट कर सकते हो। ज़्यादा बुरा से बुरा क्या होगा, कॉलेज नहीं मिलेगा। अच्छा क्या हो सकता है, कॉलेज मिल जाएगा। और जब कॉलेज मिल जाएगा ना, तो अपना सब दुख दर्द जो है पीड़ा सब भूल जाओगे, इस बात की है ना मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक। और वापस से अगर तुम नीट का तैयारी करोगे तो आराम से नीट का तैयारी कर सकते हो। अगर तुम्हारा नीट में हो जाता है, 3 लाख कैश गिन देना, चले जाना। मेरे जूनियर गए हैं, मेरे बैचमेट गए हैं, तो आराम से, आपकी मर्जी है। लेकिन सुकून चाहते हो, आराम से कुछ नहीं करना है, तो इस फील्ड में आ सकते हो। बहुत सुकून है, जॉब भी, जॉब की सिक्योरिटी भी है, प्राइवेट में भी है, गवर्नमेंट में भी, आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, एकदम मस्त रह सकते हो, आराम से ले सकते हो। अच्छी काफ़ी मतलब इमर्जिंग फील्ड है ये, इसीलिए मैं अपने चैनल का नाम इमर्जिंग वेट्स रखा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक इमर्जिंग फील्ड है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ का बता दिया हूँ, तो मॉप अप राउंड में तुम काउंसलिंग करो, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड का तो होप छोड़ देना कि कॉलेज मिलेगा। जिसके कम नंबर है 550 से अगर कम जिसका भी मार्क्स है, चाहे तुम जनरल हो, 550 भी मार्क्स है ना, तो भी नहीं मिलेगा फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। 600 के आसपास जो है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में, उन लोगों को शायद सीट मिले, उससे भी ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है, ठीक। लेकिन मॉप अप राउंड में कितना कम जाएगा वो है ना, तुम जब आओगे तभी पता चलेगा। तो अगर हम बता दें 400 के पास, 400 के आसपास भी नंबर आ रहा है तुम्हारा, अब वेटनरी लेना चाह रहे हो, ठीक है, OBC है, जनरल EWS भी है, तो भी किशनगंज ऐड हो चुका है, 80 सीट है उसमें, एक भी सीट BCI कोटा से नहीं फिल होगा, सारा जो है 85% कोटा BCC कोटा के थ्रू फिल होगा। तो मॉप अप राउंड पार्टिसिपेट करके वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, किस्मत अच्छा रहा तो मिल जाएगा। 99% बच्चों को मिल ही जाता है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचते नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग जो है बहुत लेट हो जाता है। जब तक मॉप अप राउंड का टाइम आता है ना, तब तक बच्चा अपना पेशेंस खो देता है। अभी सब लोग इंतजार कर रहे हो कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, कितना ऑल इंडिया रैंक आएगा, है ना। फिर कम फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चलेगी, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ऐसे ऐसे मॉप अप राउंड आ रहे तक बच्चा ऐसे हो जाता है। तो इस वजह से है बहुत सारे बच्चे डिसीजन ले लेते हैं ड्रॉप करने का, तो है इसकी कट ऑफ जो है कम जाती है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं तुम लोग का जो कट ऑफ से रिलेटेड डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ, जो भी चीज़ें तुम लोग को क्या लगता है नहीं लगता वेटनरी के बारे में, उसको कमेंट ज़रूर करना कट ऑफ के बारे में, या और भी चीज़ें वेटनरी से रिलेटेड जो तुमको लगता है, जो फेस करते हो, जो बोलना चाहते हो, कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो। मैं पढ़ता सबका कमेंट हूँ, ठीक है। मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं किसका रिप्लाई दूंगा या नहीं दूंगा, ठीक। जब भी मैं फ्री होता हूँ कोशिश करता हूँ रिप्लाई दे देने का। अगर तुम्हारा जो कमेंट जो है वो लगेगा नहीं कि मुझे रिप्लाई देना चाहिए, मैं दे दूंगा। ऐसा लगेगा नहीं, मैं बता चुका हूँ चीज़ें, सेम चीज़ एक ही चीज़ को बार बार बोलते हैं बच्चे, बोल देता हूँ कि नहीं इतना जाएगा, फिर भैया मिल जाएगा ना, हो जाएगा ना, उसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कई बार इग्नोर कर देता हूँ कमेंट को। अगर तुम्हारा क्वेश्चन नया रहेगा, रिलेबल रहेगा कि नहीं हाँ बोलना चाहिए, तो हम कमेंट में जवाब देते हैं, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करना, और हाँ, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब सबसे पहले करो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भैया का सोर्स ऑफ मोटिवेशन यही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और आबाद रहिए।